बात। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आबादी की सात देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में भारत और ब्राजील की उम्र और जींस के मुताबले देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये तरसीम कुछ अलग सी मालूम होती है। हाँ, ये तरसीम आबादी की उम्र और जींस को जाहिर करती है। इसे आबादी का अहराम कहते हैं। अजीज तुलबा, इसका इस्तेमाल कब और किस लिए किया जाता है? किसी इलाके की उम्र और जींस के तनाजुर में आबादी का मुतायला करने के लिए ये तरसीम इस्तेमाल की जाती है। यानी क्या हम मुल्क के मुख्तलिफ उम्रों के ग्रुप में औरतों और मर्दों की तादाद और उनका फीसद मालूम कर सकते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, इसके जरिए मुल्क में बच्चे, जवान, बूढ़े लोग कितने हैं ये भी जान सकते हैं। ऊपर ब्राजील और भारत की दिए गए अहराम में उम्र और जींस के मुताबिक जो तरसीम दी गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत में आबादी में नौजवान गिरोह की तादाद निस्बतन ज्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के पास काम करने वाली आबादी का तनासुब ज्यादा है। तो ब्राजील में बुढ़ापे की तरफ माइल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बूढ़ों की तादाद में इजाफे का रुझान ब्राजील में ज्यादा है। ऊपर की तरसीम में ये देख सकते हैं कि दोनों ममालिक में जवानों की तादाद का फीसद ज्यादा है, लेकिन भारत में ब्राजील के मुकाबले में बच्चों का फीसद ज्यादा है। ब्राजील में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का फीसद भारत के मुकाबले में ज्यादा है।